नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आप सभी के अपने YouTube चैनल टेट ट्रिक्स के अंदर, जिसके अंदर हम टेट एग्जाम के सभी टीचिंग सब्जेक्ट्स हैं उनको ट्रिक्स से कवर कराते हैं। और फ्रेंड्स, ये YouTube पे इकलौता ऐसा चैनल है जहां पर ये सारे सब्जेक्ट जो है ट्रिक्स से कवर कराए जाते हैं। सो फ्रेंड, जैसा कि आज आपको हमारी वीडियो के अंदर दिख रहा है, आज हम मैथ्स के टॉप 20 क्वेश्चंस का क्विज लेके आए आपके लिए, ठीक है फ्रेंड्स। और ये वीडियो जो है यूपी टेट वाले बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, जिनका कि कल एग्जाम है, और उसके लिए मैं उन सभी को बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। सो मैं चाहता हूँ कि एग्जाम से पहले आप इस पूरी वीडियो को एक बार जरूर देखें, यहाँ से आपको 4 से 5 क्वेश्चन आसानी से देखने को एग्जाम में मिल जाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो इन सभी क्वेश्चनों को हम बहुत ही प्यारी ट्रिक के माध्यम से कवर करेंगे, जितना आसान शब्दों में होगा मैं इन सभी क्वेश्चनों को आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सो इस वीडियो को आपको पूरा जरूर देखना है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना है, ठीक है फ्रेंड्स। सो अभी बिना आपका टाइम वेस्ट किए चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का क्विज। सो फ्रेंड, हमारा पहला क्वेश्चन है, दी स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर इज, सबसे छोटा अभाज्य संख्या कौन सी है, ठीक है। तो आपको बताना है, देखो सबसे पहले आपको प्राइम नंबर पता होना चाहिए। प्राइम नंबर ऐसे होते हैं जिसके दो फैक्टर होते हैं, ठीक है। दो फैक्टर कौन से होते हैं, एक तो वन, इसका मतलब कि एक तो वो एक से डिवाइड होते हैं, और दूसरा वो खुद से डिवाइड होते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो दो है, दो के कितने फैक्टर है, दो ही तो है, एक तो वो एक से डिवाइड हो रहा है और एक वो खुद दो से डिवाइड हो रहा है, ठीक है। इसी तरीके से तीन भी यही है, तीन भी किससे डिवाइड होता है, एक से डिवाइड होता है और खुद तीन से भी डिवाइड होता है। तो इसका मतलब देखो, दो भी एक प्राइम नंबर है, तीन भी एक प्राइम नंबर है, पांच भी एक प्राइम नंबर है, सात भी एक प्राइम नंबर है, लेकिन इसने क्या कहा है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन फर्स्ट क्या है, जो कि है दो। तो दो क्या हो जाएगा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो फ्रेंड, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, दी वैल्यू ऑफ, हमें इसकी वैल्यू निकालनी, इसको सोल्व करना है, ठीक है। तो क्या आपकी अप्रोच रहेगी, देखो बड़े ध्यान से समझना। पहले छोटी वाली ब्रैकेट है, इसको सोल्व करते हैं, देखो ठीक है, सिर्फ इसको ले लो। अब आठ जो है छोटी वाली ब्रैकेट में, आठ को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 की पावर 3, आप सबको पता है, पूरे की पावर 1/3, प्लस 27 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 3 की पावर 3, पूरे की पावर 1/3, ठीक है। पहले हम अंदर वाली ब्रैकेट को सोल्व कर रहे हैं, 3 से 3 कट हो जाएगा, आपको पता है इस 3 से 3 कट हो जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, 3 और 2, 2 और 3 कितना बच गया, 5 बच गया, ठीक है। तो इसकी जगह तो क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इस पूरे की जगह छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो बाहर क्या बचा, 5 बचा, इस छोटी वाली ब्रैकेट के अंदर 5 बचा, इस पूरे की पावर क्या बची यहाँ पे, ये 3, 5 की पावर 3 बची, ठीक है। और इस कंप्लीट की जो कि स्क्वेयर ब्रैकेट के अंदर है, इसकी पावर क्या है, 1/4। अब देखो ये मल्टीप्लाई में 5 है, मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, और 5 की पावर मैं यहाँ पे 1 लिख सकता हूँ, ठीक है। तो टोटल मल्टीप्लाई में क्या हो जाती है, पावर ऐड हो जाती है, 5 की पावर 4 हो गई, और बाहर क्या है इसकी पावर, 1/4, ठीक है। तो यहाँ से ये भी हो जाएगा 5, 4 × 1/4, 4 से 4 कट गया, तो सीधा आ गया हमारा आंसर 5, ठीक है, समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, जब एक्स की पावर 13+1 को x-1 से भाग दिया जाए तो शेष क्या बचेगा। अब इसको देखना कैसे करते हैं, इसको पहले तो एक तो x-1 से आपको डिवाइड नहीं करना है, जब भी ऐसे केसेस आए आपको क्या करना है, इसमें जो x-1 है ना, इसको किसके बराबर रख लेते हैं, 0, ठीक है। सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा, ज्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करूंगा, ठीक है, बस ये बता रहा हूँ ऐसे ही करना है आपको। अगर x-1 की जगह अगर x+3 होता तो उसको भी 0 रख लेते, ठीक है, x-25 होता तो उसको भी 0 रख लेते, जो भी होगा उसको 0 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, बस इस 1 को ना यहाँ पे x की पावर 13+1 के अंदर पुट कर देंगे, तो x की पावर, x क्या है 1, 1 की पावर 13 1 ही हो जाएगा, 1+1 जो कि हो जाएगा 2, सो 2 इसका क्या बचेगा, शेष बचेगा, शेषफल, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन के अंदर ऐसे ही करना है, सो 3 विल बी इट्स राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन है, इसमें गुणनफल में इकाई का अंक पूछा है, ठीक है, इकाई का अंक क्या होगा। अब आप देखिए पीछे की जो डिजिट है, जो वंस प्लेस पे है, उनको आपस में मल्टीप्लाई कीजिए, 8 और 6 कितना हो गया, 48, तो 48 का 8 रख लेंगे, ठीक है। अब इस 8 को 9 से करेंगे तो 8 × 72 हो जाएगा, तो 72 का 2 रख लेंगे 72 का, ठीक है। और इस 2 को आप किससे करेंगे, इस वाले 2 से, तो 2 × 2 क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई होके 4, तो 4 क्या आ जाएगी, यूनिट प्लेस पे, ठीक है। आपको ऐसे ही करना है, आपको लिखना नहीं है, उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट होगा,
तो 4 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप वीडियो आपको पसंद आ रही होगी, अगर मजा आए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किसी संख्या के 60% का 3/5 भाग 36 है तो वह संख्या क्या है। ठीक है, किसी संख्या, कोई संख्या हमने एक्स मान ली, उसका 60% का, 60% को मैं फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो 60/100 का 3/5 भाग क्या है, 36 है, 36 के बराबर है ना। ठीक है, इक्वल टू 36, ये इतना बना लिया तो इजीली आप इस क्वेश्चन को भी सोल्व कर दोगे। तो यहाँ पे एक जीरो से एक जीरो कट गई, ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखो तीन ऊपर से ऊपर काट रहा हूँ मैं, 3 × 3 यहाँ से कट गया, 3 × 3 3 × 2 = 6। ठीक है, इस 6 × 6 6 × 2 = 12। ठीक है, तो ये क्या बचा, यहाँ पे x बटे 50 इक्वल टू 2, तो 2 इधर, यहाँ पे 50 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो x हो जाएगा 50 × 2 विच इज इक्वल टू 100। ठीक है, तो वह संख्या क्या थी, 100 थी, जो कि हो जाएगा हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 12 × 10 = 12 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा, ये बताना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आप देख रहे हो कि इसको तो अभी 12 से ही भाग देना है, छोटे डिजिट से भाग देना आप दे दोगे। ठीक है, लेकिन अगर आपको एग्जाम में 24 मिल गया, 24 से भाग दो, या 36 से भाग दो, या 48 से भाग दो, तब कैसे दोगे, तब तो आपको पूरा डिवाइड करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अब आपको टेबल तो आती नहीं 36 की 48 की, तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसको इजी कैसे बना सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, आपको करना क्या है, आपको लिखना है 12 × 10 = 12। ठीक है, उसको 12 से डिवाइड करना है। अब देखो, आपको बड़े से बड़े नंबर से इसको डिवाइड करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो अभी इस केस में आपको देखना है, देखो दोनों तो 2 से भी हो रहे हैं, ऊपर वाला नीचे वाला 2 से पूरा डिवाइड हो रहा है, 3 से देखो 3 से हो रहा है कि नहीं आ रहा, तो ऊपर वाली जो नंबर है ना उसकी डिजिट काउंट करो, डिजिट का सम, 2 × 1 = 3, 3 × 1 = 4, 4 × 1 = 5, 5 × 2 = 7, 7 हो रहा है, 7 जो कि 3 से डिवाइड नहीं होता। ठीक है, लेकिन आप देखो जो ऊपर वाली डिजिट है वो 4 से डिवाइड हो रही है, और नीचे वाली भी 4 से हो रही है, तो हम क्या करते हैं 4 से डिवाइड कर देते हैं, तो 4 × 3 = 12। अब इसको भी सोल्व करते हैं, 4 × 3 = 12, यहाँ पे बची 0, अब हो गया 10, तो 4 × 2 = 8, 8 हो गया, अब यहाँ पे 21 बच गया, 4 × 5 = 20 हो गया, और यहाँ पे क्या बचा था, अब बचा 12, तो 4 × 3 = 12, तो आपके पास बचा ये, ऊपर तो बचा 30,253, नीचे बचा 3। अब क्योंकि ये रिड्यूस करने पर हुआ है, ठीक है, किससे आपने काटा है 4 से, तो लास्ट में जो रिमाइंडर आएगा ना, इसको 3 से डिवाइड करने पर, 3 से तो आप आसानी से कर दोगे डिवाइड, उस रिमाइंडर को बस आपको 4 से वापस से मल्टीप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो अभी देखिए, अब 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें पता है, सम ऑफ डिजिट ही देख लेते, उसी से पता चल जाएगा रिमाइंडर क्या आएगा, 3 × 2 = 5, 5 × 5 = 10, 10 × 3 = 13, 13 आ रहा है सम ऑफ डिजिट, अब 13 आ रहा है तो क्या बचेगा रिमाइंडर, क्योंकि 3 × 4 = 12 होता है, तो रिमाइंडर बचेगा 1, 1 बचेगा ना रिमाइंडर। ठीक है, आपको ध्यान रखना है, 1 रिमाइंडर बचेगा, लेकिन ये ओरिजिनल रिमाइंडर नहीं है, क्योंकि हमने इसको रिड्यूस किया था, ओरिजिनल लाने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 4 से, तो 4 हमारा क्या आ जाएगा, ओरिजिनल रिमाइंडर, जो कि हो जाएगा ऑप्शन 4। ठीक है, आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए नॉन टर्मिनेटिंग बट रीअकरिंग डेसिमल इज, देखो नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, जो नंबर खत्म नहीं हो रहा, एनटी से मैं डिनोट कर दिया नॉन टर्मिनेटिंग, रीअकरिंग मीन्स जो रिपीट हो रहा है। ठीक है, अब नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग तो किस में आता था, ऐसे नंबर्स को क्या कहते थे, रैशनल नंबर कहते थे। ठीक है, मैं बता देता हूं आपको, जो रैशनल नंबर होते हैं उसके अंदर 2 प्रकार के नंबर आते हैं, रैशनल नंबर के अंदर एक तो होता है कौन सा, टर्मिनेटिंग, जो खत्म हो जाते हैं नंबर। ठीक है, और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एनटी बट रिपीटिंग आर, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग वाला था, तो रैशनल नंबर में आ जाएगा। ठीक है, टर्मिनेटिंग का एग्जांपल ले लो 3.187, ये खत्म हो गया तो ये टर्मिनेटिंग हो गया। अब नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का हो गया जैसे 3.125555, ये चलता जा रहा है। ठीक है, अब टर्मिनेट तो हुआ नहीं है, ठीक है, और रिपीट हो रहा है कंटिन्यूसली, जैसे 555 ये रिपीट हो रहा है, तो ये हो गया नॉन टर्मिनेटिंग बट रिपीटिंग का। ठीक है, और इरेशनल नंबर अगर आता, इरेशनल नंबर का पूछ ले, तो वो होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, इरेशनल नंबर ये होते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर क्या होता है, ओनली टर्मिनेटिंग। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, आई होप समझ में आ रहा होगा आप सबको, मजा आ रहा होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है हमारे पास, अब ये हमारे पास गिवन है। ठीक है, ये कंडीशन, अब इस यहाँ से हम अगर ए बी सी वैल्यू निकाल ले तो आसानी से इसको सोल्व कर देंगे। तो क्या है हमारे पास, a/3 = b/2। ठीक है, तो मैं
बी को ए के नीचे लिया जाता हूँ, ये इधर आ जाएगा, तीन कहाँ आ जाएगा, तीन ऊपर आ जाएगा, ठीक है। तो ए अपॉन बी मिल जाएगा मुझे 3/2, ठीक है। और अब सेकंड वाला रेशियो जो बी बाई टू इक्वल टू सी बाई वन, तो मैं क्या करता हूँ, सी को बी के नीचे ले आता हूँ और दो को ऊपर ले जाता हूँ, तो बी बाई सी का रेशियो भी मिल जाएगा मुझे 2/1। अब देखो कॉमन क्या है, दोनों में बी है, और बी अगर सेम है, बी की वैल्यू इधर भी 2 है, बी की वैल्यू इधर भी 2 है, तो हमें बहुत ही आसानी से अब क्या मिल गए, तीनों की वैल्यू मिल गई, ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 2 और सी की वैल्यू क्या मिली, 1 मिली, ठीक है। अगर बी सेम नहीं होता तो पहले सेम करना होता हमें, ठीक है। अभी देखो तीनों वैल्यू मिल गई, तो ए की जगह क्या रखा जाएगा, 3 रखा जाएगा, बी की जगह 2 रखा जाएगा, प्लस 2 सी है, 2 × 1 रखा जाएगा, अपॉन बी कितना है हमारे पास, बी है हमारे पास 2, तो ये हो जाएगा 3 + 2, 3 + 2 कितना हो गए 5, ठीक है, + 2/2, तो ये हो गए 7/2, जो कि हो जाएगा हमारे पास 3.5, ठीक है। तो 3.5 हमारा क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी देखिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, काफी अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम बहुत ही आसानी से सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन है जो भी ये मिक्स फ्रैक्शन के अंदर दे रखे हैं, आप सबको पता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अलग अलग कर लेंगे, ठीक है। मैं क्या करता हूँ, स्मॉल ब्रैकेट लेता हूँ, 1 + 1 1, होल नंबर का जो पार्ट है ना सबको ऐड कर देता हूँ एक साथ, 1 + 1 1 1 1 1 1, ऐसे ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसको पूरा सोल्व करके करोगे तो काफी टाइम लग जाएगा। तो जो हमने होल वाला पार्ट था, जो पूरा पार्ट था उसको तो अलग अलग ले लिया, अब प्लस अब जो फ्रैक्शन में पार्ट है उसको अलग अलग लिख लेंगे, सबके साथ 1/2, इसके साथ भी 1/2, इसके साथ भी 1/2, इसके साथ भी 1/2, ठीक है। ऐसे ही करना है आपको, अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो। अब इन सबको आप ऐड कर लोगे, तो 1/1 ऐड होगा, फिर 1/2 ऐड होगा, और फिर 1 ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1 2 3 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, 1234 हो गया, आधा आधा एक, आधा आधा एक, एक और एक दो, दो ऐड हो गए इसमें, तो 1236 इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे आपको बहुत फटाफट काम करना है, तो 1236 इसका राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है द लीस्ट नो नेगेटिव प्राइम इंटीजर। देखो नो नेगेटिव प्राइम इंटीजर, अब आप सबको पता है इंटीजर्स में तो ये सारे ही आते हैं, ठीक है, 0 1 2 3, ठीक है। लेकिन इसने क्या पूछा है, नो नेगेटिव प्राइम, ध्यान देना प्राइम इंटीजर। अब एक तो प्राइम है नहीं, ठीक है, 0 भी नहीं है, अब 2 प्राइम है और 3 भी प्राइम है, लेकिन इसने क्या पूछा है, लीस्ट पूछा है, छोटे से छोटा, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, 2, ठीक है। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यदि 2352 = 2×x मल्टीप्लाई 3×y मल्टीप्लाई 7×z हो, तो हमें x + y + z का मान बताना है, ठीक है। अब देखो ऐसे क्वेश्चनों में क्या करेंगे, अब हमें पता है इसके जो फैक्टर बनेंगे ना, इसको फैक्टराइजेशन करेंगे इसका, इसके जो फैक्टर बनेंगे वो 2 के बनेंगे, 3 के बनेंगे और 7 के बनेंगे, तो हम क्यों ना 7 से ही सबसे पहले इसको डिवाइड करना शुरू कर दे, ताकि आगे हमें नंबर छोटा मिलता जाए। तो 2352 को 7 से हम करते हैं पहले डिवाइड, तो यहाँ से हो जाएगा 7 × 21, 2 बच गए 25 बन गया, 7 × 21, अब बच गए 4 × 7 = 42, ठीक है। अब फिर से देखो 7 से, तो 7 × 4 = 28, 28 और यहाँ पे कितने बचे 5, 7 × 8 = 56, 48, ठीक है। अभी कितने पे जाएगा, अभी 3 से देख लेते हैं, 3 × 3, 3 × 6 = 18, ठीक है, 16 गए, तो 2 से 2, 2 × 8 = 16, फिर 2 × 6 = 8, और फिर एक बार 2 से चला जाएगा, 2 × 2 = 4 और 2 × 1, तो 2 कितनी बार है, 4 बार, तो 2 तो हो गया 4 बार, मल्टीप्लाई 3 हो गया 1 बार, मल्टीप्लाई 7 कितनी बार हो गया, 2 बार, ठीक है। अब उसको उससे कंपेयर कर लेंगे, कंपेयर करेंगे तो एक्स तो आ गया हमारे पास 4, वाई आ गया हमारे पास 1 और जेड आ गया हमारे पास 2, तो तीनों को अब ऐड कर दो, 4 + 1 + 2, ठीक है ना, समझ रहे हो ना आप, 4 × 5 = 2 = 7, तो 7 हमारा क्या आ जाएगा, राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी इट्स राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अभी, ठीक है। तो अब देखिए फटाफट अभी और कर लेते हैं सारे क्वेश्चनों को, 12 क्वेश्चन पे तो पहुंच गए। यदि पी का p% 36 हो तो पी बराबर होगा, तो इसको कैसे करेंगे, पी का मतलब होता है मल्टीप्लाई, पी परसेंट को हम किसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, p/100, पी का पी परसेंट कितना है, 36 दे रखा है, 36, तो अभी हमें बताना है कि पी कितना होगा, तो ऊपर तो बन गया p², ठीक है, और ये जो 100 था इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 3600,
तो पी कितना आ जाएगा, अंडर रूट में जब 3600 जाएगा तो डबल जीरो से तो सिंगल जीरो बाहर आती है, ठीक है, 36 से क्या बाहर आ जाएगा, 6 बाहर आ जाएगा, तो 60, पी कितना आ गया हमारे पास 60, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, इसको मैं एक बार हटा देता हूँ, इरेज कर देता हूँ, ये चल गया। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स हमारा, 0.01 स्क्वायर कैन बी रिटर्न इन द परसेंटेज फॉर्म। इसका परसेंटेज के रूप में लिखना है, इसको कैसे लिखेंगे देखो। अब 0.01 का स्क्वायर है, इसको परसेंटेज के रूप में लिखना है, तो मतलब कि अब मैं पॉइंट यहाँ से डेसिमल हटाऊंगा, यहाँ से अगर मैं डेसिमल हटाता हूँ तो क्या आ जाएगा, 1/100, ठीक है, इस पूरे का स्क्वायर। तो मतलब कि ये नंबर लिखा जा रहा है 1/100 इनटू 1/100 के फॉर्म में, ठीक है। अब देखो अगर 5% होता तो आप इसको फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हो, 5/100 ऐसे करते हो ना। अब देखो 1/100 जो है तो इसका मतलब ये परसेंटेज में है, तो मैं एक तो इसको ऐसे लिख सकता हूँ 1/100%, ठीक है, तो यहाँ से डी हो गया। और कैसे लिख सकता हूँ मैं, इस 1/100 है ना, अब इस 1/100 को वापस से मैं अगर मैं डेसिमल में कन्वर्ट कर दूं तो इसको 0.01 लिख सकता हूं, और 1/100 का तो हमने परसेंट बना ही रखा था, 1/100 का परसेंट बना रखा था ना, तो ये पीछे परसेंट लगा दिया हमने, ठीक है। इसको ऐसे भी लिख सकता हूं जो कि है मेरे पास ऑप्शन ए, तो ए और डी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर जो कि ऑप्शन सेकेंड होगा, ठीक है। आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स यूपी टेट वालों के लिए। अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच वन इज करेक्ट इन द फिलिंग स्पेस, 1 ग्राम कितने किलोग्राम के बराबर होता है। तो 1 ग्राम तो होता है, आप सबको पता है 1 ग्राम कितने का होता है, 1/1000 किलोग्राम। 1 ग्राम 1 किलोग्राम का 1000 हिस्सा होता है, एक तो ऐसे ले सकते हैं और दूसरा इसको ऐसे भी ले सकते हैं। अब ये 1000 नीचे तो ऊपर जाएगा तो 10^-3 kg आ जाएगा, तो ये दो तरीके इस तरीके से लिख सकते हैं। तो आप देखिए एक तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा और क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन फर्स्ट इसका राइट हो जाएगा, ए एंड बी, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुणनफल 2153^167 में इकाई का अंक क्या होगा, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चनों को कैसे सोल्व करेंगे देखो। अब देखो यहाँ पे जो 167 है ना, इसको हमें क्या करना है, 4 से डिवाइड करना है। आपको ये ध्यान रखना चाहिए, कुछ भी नंबर हो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे 283 हो, 287 हो, 93 हो, कुछ भी हो, उसको 4 से डिवाइड करना है पहले। जैसे आप 4 से डिवाइड करोगे तो देखो 4 × 16, यहाँ पे 4 × 4 क्या बचा, 3 बचा रिमाइंडर, 3 क्या बचा यहाँ पे, रिमाइंडर बचा। अब जो ये 3 रिमाइंडर बचा है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको हम कैसे यूज करेंगे देखिए फ्रेंड्स। जो भी नंबर्स होते हैं ना, उन सबकी एक साइकिल चलती है, ठीक है। अब जो ये गुणनफल के अंदर जो हमारा 2153 दे रखा है ना, इसकी हमें लास्ट जो यूनिट डिजिट है ना, इसको उठाना है, ठीक है। अब इस नंबर का क्या साइकिल है वो मैं बताता हूँ। देखो फ्रेंड्स, 3^1 होगी तो आएगी यूनिट डिजिट 3, ठीक है। 3^2 होगी तो यूनिट डिजिट आएगी 9। 3^3 होगी तो यूनिट डिजिट आएगी 27 की, मतलब 7। 3^4 होगी जो कि 81 होता है, तो यूनिट डिजिट आएगी 1, ठीक है। अब जब 3^5 देखोगे ना, तो फिर से यूनिट डिजिट क्या आएगी, 3 आएगी, मतलब 343 आता है तो लास्ट में 3 आएगी। इसी तरह 3^6 में यूनिट डिजिट जो लास्ट में आएगी वो 9 आएगी। 3^7 में यूनिट डिजिट लास्ट में आएगी 7 आएगी, और 3^8 में जो यूनिट डिजिट आएगी लास्ट में आएगी 1। तो आप देख रहे हैं जो ये साइकिल है ना, ये वाला साइकिल, ये फिर से रिपीट हो रहा है 4 के बाद, ठीक है। अब इसको कैसे रिलेट करेंगे, यहाँ पर रिमाइंडर कितना आया, 3 आया है, 3 रिमाइंडर आया ना, तो तीसरे नंबर पर पहला, दूसरा, तीसरे नंबर, जो तीसरा नंबर है ना, ये तीसरा जो नंबर है, तो वही इसका क्या होगा, यूनिट डिजिट होगा। यूनिट डिजिट क्या आएगा यहाँ पे, 3^3 में क्या आता, जो 7 आ रहा था ना, वही यूनिट डिजिट इस हमारे क्वेश्चन का आएगा, ठीक है। तो ध्यान रखना है, अगर मान लो यहाँ पे 4 रिमाइंडर बचता है, 4 रिमाइंडर अगर यहाँ पे बचता तो हमारे पास यूनिट डिजिट क्या आता, 1 आता। 2 रिमाइंडर बचता तो यूनिट डिजिट कितना आता, 9 आता, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे। तो यहाँ पे 3 रिमाइंडर बचा है तो 3^3 में यूनिट डिजिट क्या आता, 7। तो 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन फर्स्ट, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक सरल रेखा पर स्थित बिंदुओं की संख्या होती है, ठीक है। अब आप देखिए, एक जो हम लाइन खींचते हैं, अब आपको पता है ये लाइन जो है ना, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट से बनी हुई है, इनके ऊपर इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट है, ठीक है, उससे लाइन बनी हुई है, ठीक है, ना कि दो पॉइंटों से। दो पॉइंटों से तो सिर्फ एक लाइन गुजर सकती है, ठीक है, लेकिन लाइन जब बात हो बनी हुई कितने पॉइंटों से, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट। तो यहाँ पे ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा, असंख्य।
आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑन सिंप्लीफिकेशन 2^-1 उस पूरे की पावर फिर -1 द नंबर विल बी। अब देखो इसको सीधा जैसे मैं आपको बताता हूँ, m की पावर n, ठीक है, और पूरे की पावर p। इसमें क्या होता है, आप सबको पता है पावर्स आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, m की पावर n p हो जाती है। ठीक है, तो इस केस में भी ऐसा ही करना है सीधा, 2^-1 है, ठीक है, और उसके बाद इस पूरे की पावर क्या है, फिर से -1 है। तो इन दोनों को ही आपस में मल्टीप्लाई कर दो, 2^-1 मल्टीप्लाई बाय -1 जो कि हो जाएगा 2^1। 2^1 क्या हो जाएगा, 2। तो 2 क्या है अब आपको बताना है, 2 एक प्राइम नंबर है, ठीक है, इवन नंबर है, ठीक है, मल्टीपल ऑफ 2 है, ठीक है। तो यहाँ पे ए बी सी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओड नंबर नहीं है ये हम सबको पता है, तो ए बी सी विल बी इट्स राइट आंसर, ऑप्शन 3। ठीक है, अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। सो अभी आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड दी वैल्यू ऑफ जेड, जेड का मान ज्ञात करना है हमें, फॉर विच नंबर ये जो है डिविजिबल बाय 9। अब आप सबको पता है 9 का डिविजिबिलिटी रूल, ठीक है, अब सबको 9 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि भाई सम ऑफ द डिजिट कर लो, सम ऑफ द डिजिट से पता चल जाएगा। तो सम ऑफ डिजिट कर लेते हैं, 4+1+7+z+8, ठीक है, ऐड करेंगे 4 × 5, 5 × 7 = 12, 12 × 8 = 20। 20 में जेड की क्या वैल्यू ऐड करूं कि 9 से डिविजिबल हो जाए, तो अगर मैं 20 में 7 ऐड कर देता हूं तो 27 बन जाएगा, और 27 9 से डिविजिबल है, तो यहां पे जेड की वैल्यू क्या आएगी, 7। 7 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ऑफ विच स्मॉलेस्ट नंबर इज 8। तो आपको पाइथागोरस तिर्क ज्ञात करना है जिसकी सबसे छोटी संख्या 8 है। अब देखो फ्रेंड्स, इसमें आपको पूरा पाइथागोरस लगाने की जरूरत नहीं है, आपको एक बहुत ही जबरदस्त ट्रिक बताने वाला हूं मैं, उससे आप इसको बहुत आसान सॉल्व कर दोगे। आप सबको पता है एक पाइथागोरस ट्रिपलेट होता है 3, 4, 5, आप सबको पता है ना 3, 4, 5 का, तो इसी तरीके से आपको 6, 8, 10 का भी सबको पता है, ये दोनों पाइथागोरस ट्रिपलेट है। अब देखो इसमें क्या है, जब भी सबसे छोटा नंबर अगर ओड हो ना, तो बाकी बचे हुए दो नंबरों के बीच एक का गैप आता है, कितने का गैप आता है, एक का, और जब भी सबसे छोटा नंबर अगर इवन होना तो बाकी बचे हुए दो नंबरों के बीच दो का गैप आता है, कितने का, दो का गैप। बस इस बात को आपको ध्यान रखना है, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर 101% मिलेगा, तो इस ट्रिक से आप इसे बहुत ही आसानी से सोल्व कर दोगे। ठीक है, तो अब देखो इसने एक तो बात कही थी कि सबसे छोटा नंबर 8 होना चाहिए, तो यहाँ से ऑप्शन 3 तो वैसे ही कैंसिल हो गया। ठीक है, अब इनमें देखिए सबसे छोटा नंबर 8 है, मतलब इवन नंबर है, इवन नंबर है तो दो का गैप होना चाहिए, ओड में एक का गैप होता है। ठीक है, इवन नंबर में कितने का गैप होता है, दो का, ओड में एक का होता है, तो 8 है तो मतलब गैप दो का होना चाहिए था, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ भी इवन नंबर है, यहाँ पे तो गैप ही बहुत ज्यादा जा रहा है, तो ये भी गलत हो गया। अब देखिए लास्ट ऑप्शन देखिए, 8 है, इवन नंबर है, गैप भी कितने का है, दो का है, तो ये एकदम राइट हो जाएगा। तो आपको बिना निकाले आप बहुत आसानी से बता सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, द नंबर इज डिविजिबल बाय 8, तो यहाँ पे 8 का डिविजिबिलिटी रूल देख लेते हैं, लास्ट के 3 डिजिट डिवाइड करके देख लो 8 का डिविजिबिलिटी रूल, ये कहता है तो 8 से 24 और पीछे 0 ये हो जाएगा डिवाइड, तो मतलब कि ये डिविजिबल है पूरा नंबर। ठीक है, अब 220 को डिवाइड करके देखो, ये डिविजिबल नहीं है 220 8 से, तो ये नंबर भी डिवाइड नहीं होगा। 128 देखो 8 से डिवाइड करो, 8 × 8 = 4, 8 × 48, ये 128 डिविजिबल है, तो इसका मतलब ये पूरा नंबर भी डिविजिबल है। चौथा देखो 124 डिविजिबल नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर भी डिविजिबल नहीं है। तो फर्स्ट एंड थर्ड विल बी इट्स राइट आंसर, ऑप्शन सेकंड विल बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये थे ऐसे टॉप 20 क्वेश्चंस जिनसे सिमिलर क्वेश्चन भी एग्जाम में आपसे पूछे जा सकते हैं, इसी प्रकार के, जस्ट डिजिट आपकी चेंज होगी। ठीक है, सो यूपीटेट वाले बच्चों के लिए वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी। ठीक है फ्रेंड, और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसकी पीडीएफ आज ही आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल TET_tricks26 में, तो तुरंत जाके वहां पे इस हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। और फ्रेंड्स, अगर यूट्यूब पे आप वीडियो देख रहे हैं हमारी, तो हमारी इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और आप सभी को बेस्ट ऑफ लक कल के आपके एग्जाम के लिए। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप सबने बहुत अच्छे से जमकर तैयारी की होगी, और फ्रेंड्स ऐसी ही खतरनाक और मजेदार ट्रिक्स के साथ अगर वीडियो पाना चाहते हो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और हाँ फ्रेंड्स बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। सो फ्रेंड मिलते हैं आपके एग्जाम के बाद, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।